मैजिकल इफ चो, बहुत छोटा है बट जो समझ गया ना उसका तो मतलब आधा एक्टर बनने का सफ़र खत्म हो गया अगर रियल में ऐसा होगा मैं जब मरने वाला हूँ मेरे सामने ऐसी चीज़ होगी तो मैं कैसा करूँगा मैजिकल इफ़ बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत काम की है जितने भी आप हॉलीवुड में आप एक्टिंग सीखने जाएंगे बाहर जाएंगे फॉरेन सीखने जाएंगे वहां पे आपको यहीं से शुरुआत होती है आपकी पहला पहला चैप्टर यही रहता है आपका अभी मतलब मुंबई में तो बहुत कम ही एक्टिंग क्लास में आपको ये चीज़ें मिलेंगी बहुत मुश्किल है आप जाएंगे बाहर निकलेंगे तो बहुत एक्टिंग क्लास के आपको मिलेंगे स्टूडेंट जो एक्टिंग सीख के आए होंगे लाखों रुपए दे के आएंगे उनसे पूछिएगा तो आपको समझ में आएगा ठीक है कि भाई तुमने एक्टिंग सीखी है क्या तुमको पता है मैजिकल इफ़ क्या होता है तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई हमने क्या सीखा है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैजिकल इफ़ ये चार्लिन चैपलिन का नाम सुना आपने वो इसका बहुत यूज़ करता था बहुत सारे उसके आर्टिकल्स देखो पढ़ो उसमें हर उसमें वो बोलता था अगर मैजिकल इफ ना होता तो मैं इतना अच्छा भी लेता ना होता सोचो छोटी चीज़ है बहुत जो हमारे आसपास रहती है हमेशा लेकिन हम समझ नहीं पाते उसको ठीक है तो मैजिकल इफ का मतलब है यदि ठीक है आपको हर जगह पे अपने आप को रखना होता है लाइक मान लो आप यहाँ बैठे हो ठीक है गर्मी लग रही है आपको ना और यही शूटिंग होनी है और आपको फ़ील कराना है कि आप बहुत ठंडी लग रही है आपको आप कैसे फ़ील कराओगे हमें सीन शूट करना है आपने सुना होगा ना बहुत सारी फिल्मों में कि इतनी इतनी डिग्री बर्फ पड़ रही थी या फिर इतनी गर्मी पड़ी थी अमिताभ बच्चन शॉल लेके बैठा हुआ था गर्मी में ना वो सीन शूट कर रहा था जबकि लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे गर्मी में वो एकदम शॉल के अंदर बैठ के एकदम वो सीन को शूट कर रहा था बहुत सारे ऐसे सीन होते हैं जहाँ पर ना बहुत ही या ठंडी पड़ती रहेगी उन्हें इतना नॉर्मल फील कराना होता है आप देखोगे मतलब गाने वाने शूट करते देखे ना आपने कि इतनी बर्फ़ गिर रही है लेकिन वो साड़ी में या शॉर्ट्स में पहन के डांस कर रहे हैं एकदम बिंदास वो फील ही नहीं कर रही ठंडी पड़ रही है वो इन्जॉय कर रहे हैं उसको भले कट होने के बाद वो एकदम कंबल वम्बल ओढ़ लें सब कुछ कर लें लेकिन उस टाइम पे वो फील कर रहे हैं कि नॉर्मल है तो पूरा माइंड का गेम है आप सेट पे जाएंगे मुंबई में शूट होते हैं तो ऐसे ऐसे शूट होते हैं जहाँ पे रेगिस्तान नहीं होगा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होगा जैसे बाहर आपको मिलता है लेकिन आपको फील करना होगा आप मतलब आपका क्रोमा पे शॉट लेंगे थोड़ा बहुत मतलब रेत फैला देंगे वो लोग और आपको चलना होगा और फिर मतलब रेत भी गर्म नहीं होगी बट आपको फ़ील करना होगा कि बहुत गर्मी पड़ रही है बहुत जल रहा है पैर आपके ना ऐसे आपने तो कोयले वाले सीन होते हैं ना आग पे चलने वाले आग नहीं होती है नीचे रेड लाइट लगाई होती है ऊपर कोयले होते हैं हमें लगता है कि पूरा आग जल रही है नीचे यार चल कैसे रहा हो जल रहा होगा ये तो पूरा लेकिन ऐसा होता नहीं है लेकिन एक्टर वो मैजिकल एव का यूज़ करके उस चीज़ को प्रेजेंट करता है और अच्छे से परफॉर्म करता है वो पूरा सोच लेता है कि यहां भाई आग है आग जल रही है वो पूरा फील करके चलता है उस चीज़ को अगर ठंडी में सीन कर रहा है अगर मान लो ऐसे ऐसे एक्टर है जो मतलब घुस जाते हैं करेक्टर में ठंडी पड़ रही है बहुत अब लेकिन वहां पे उनको सीन ऐसे करने बहुत गर्मी पड़ रही है और वो इतना करैक्टर में घुस जाते हैं भाई करने में ना उनको सच में पसीने आ जाते हैं सोचो ऐसा परफॉर्मेंस कर देते हैं वो लोग तो आपको हर जगह पे अपने आप को रखना है मैजिकल इफ़ का मतलब है कि अगर आप वहाँ होते हर जगह पे सोचो अगर मैं यहाँ होता क्या करता आप देखते हो ना अगर कोई भीख मांग रहा है सोचो अगर आप यहाँ भीख मांग रहे हो तो कैसे वो मांगते हैं मैजिकल इफ़ बहुत छोटा है बट जो समझ गया ना उसका मतलब आधा एक्टर बनने का सफ़र ख़त्म हो गया वो यू बन जाएगा बहुत छोटी चीज़ें बहुत मतलब जो भी आपको बहुत उम्दा कलाकार मिलेंगे ना आप जाके उनसे पूछोगे तो वो इन्हीं टेक्निक का यूज़ करते हैं आमिर खान इसका यूज़ करता है जाके देखिए उसके कितने भी इंटरव्यूज़ आप जाके देख लियो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ये बहुत छोटी चीज़ है आपको बस समझना है इसको अगर आप वहाँ होते तो क्या करते हैं और आज जितनी भी शूटिंग हो रही है भाई एट्टी शूट क्या मतलब नाइन्टी नाइन शूट में क्रोमा का यूज़ होता है क्रोमा पता है आप लोग को ना ग्रीन स्क्रीन तो ग्रीन में सारे काम यही होता है क्या रहेगा कुछ भी नहीं है आपको इमेजिन करना है यहां पे कूदना है जंप करना है यहां भागना है जितने माइथो सीरियल आते हैं देख देखना है माइथो वाले माइथो में क्या होता है माइथो में आपने देखा होगा पूरा ग्रीन है यहां एक पत्थर रखा हुआ है ना गणेश जी यहां बैठे हुए हैं महादेव जी उधर हैं सब आ रहे हैं चल के लिए फील ऐसे होता है बादल में चल रहे हैं होता तो कुछ नहीं ऐसे बादल वगैरह बट फील करते हैं ना सब कुछ जो एक्टर होता है वो अपने को वहाँ तक फील कर पाता है वो सोचता है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ किस जगह पे चल रहा हूँ कहाँ पे खड़ा होना है मेरे को तब जाके परफॉर्म कर पाता है बाहुबली फिल्म देखो ना कुछ नहीं होता है वो जो लड़ रहा है कुछ नहीं है लेकिन वो फील कर रहा है तभी उससे वो लड़ पा रहा है तभी वो एक्सप्रेशन दे पा रहा है तभी वो परफॉर्म कर पा रहा है अगर वो सोचेगा नहीं उस चीज़ को तो वो नहीं कर पाएगा वो सिर्फ नॉर्मल अभी मैं आपसे बोल दूंगा ना करने आप नहीं कर पाओगे आप करोगे आप सीरियस होकर नहीं करोगे आप मजाक में करोगे अरे क्या सर है आप ऐसे ऐसे करोगे दिखाने के लिए करोगे कि मैं कर रहा हूँ ना कि वहाँ से एक मतलब बहुत बड़ा बैल आ रहा है उसको मैं जो है पकड़ के गिरा रहा हूँ आप बस दिखाने के लिए करोगे लेकिन वो बंदा जो करेगा ना एक्टर जो होगा वो सच में उसको इमेजिन करेगा कि वो है उतना वो पूरा समझेगा कि जो आने वाला है जो बन के आएगा बैल बन के आएगा जो भी है उसका मतलब क्या कैसे मतलब कैसे स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया गया है वो बताएंगे बहुत विशाल टाइप का है ऐसी है तो वो सोचेगा अगर रियल में ऐसा होगा मैं जब मरने वाला हूँ मेरे सामने ऐसी चीज़ होगी तो मैं कैसा करूँगा तब वो परफेक्ट परफॉर्मेंस होगी अभी आप नॉर्मल होते हैं आप सोचते हैं कभी आप खुद आप सोचो ट्रेन से जाते हैं कभी कुछ होता है अगर किसी दिन बाय द वे गिर गए तो भाई क्या होगा क्या रिएक्शन होगा गिरते टाइम पे या क्या होगा या फिर हाथ पैर टूट गया जब नहीं चोट लगी वो सोच के थोड़ा एक बार होता है ना भाई चलो विंडो सट जाओ भाई गेट सेट जाओ अंदर खड़े हो जाते हैं या किसी को गिरते हुए देख लेते हैं तुरंत अंदर जाके खड़े हो जाते हैं भाई गेट पे खड़े ही नहीं होना हमें जब जो, जो देखता है गिरते हुए वो कभी खड़ा नहीं होता है जिन्होंने नहीं देखा होता वो अपना हीरोगिरी करते रहते हैं बट जिन्होंने देखा है किसी को गिरते हुए या फिर ट्रेन जा रही है और लोगों ने गोबर फेंका या पत्थर मारे और किसी वो चोट लगी वो कभी नहीं खड़ा हुआ ठीक है तो आपको कहने का मतलब यह है कि आपको हर जगह पे मैजिकल एफ का यूज़ इसलिए करना है कोई भी आपको सीन मिलता है तो आपको सबसे पहले अगर यदि मैं यहां होता तो क्या करता खुद सोचो पहले आप अगर आप रियल में किडनैप हो तो आप क्या करते हैं आपकी लाइफ ख़त्म होने वाली है तो क्या आप ऐसे नॉर्मल एक्टिंग करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे हैं मान लो अभी कोई आतंकवादी अंदर आ जाता है दो तीन लोग को मार देता है तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा आप ऐसे नॉर्मल रहोगे पहाड़ में गया एक्टर वैक्टर बनना भाई पहले जान बचाओ ना वहाँ बाल नहीं ठीक करोगे अपने देखो सही लग रहा हूँ ख़राब लग रहा हूँ कपड़े उतर गए पहन कोई परवाह नहीं पड़ती पहले जान बचे पहले मेरी तो माइंड में सिर्फ यही रहेगा ना एक थॉट कि रहेगा अरे नहीं लड़कियाँ लोग बैठे बाल ठीक कर लेता हूँ नहीं क्या सोचेंगी मेरे बारे में ये तो रहेगा नहीं माइंड में हाथ पैर कहाँ गए क्या है कुछ नहीं पता भाई पहले जान बचे मेरी कैसे भी लेकिन अगर वो रियल में करोगे मतलब ऐसे मतलब लाइक शूटिंग में करोगे तो पहले खुद को देखोगे भले सीन हो रहा होगा लेकिन खुद का सोचो मेरा लुक अच्छा आना चाहिए यही सोचोगे ना माइंड में कि फिल्म में देखो तो अच्छा दिखना चाहिए अरे यार मेरा पैंट फटा बैठोगे भी मतलब गिर भी रहे हो ना तो ऐसे गिरोगे स्टाइल में गिरोगे रियल वाला नहीं गिरोगे तो यही आपको समझना है तो मैजिकल इफ मैं बता रहा हूँ बहुत सारे यार नशुद्दीन शाह से लेकिन जितने बड़े बड़े एक्टर हैं वो इसी का यूज़ करते हैं और आजकल तो अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट एक्टर बन ही नहीं पाएंगे आप खुद हो क्रोमा पे सारा काम हो रहा है कुछ रियल नहीं है सब इमेजिनेशन है पहले टाइम पर चलो थोड़ा बहुत आदमी मतलब शूट इतने टेक्निक नहीं टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आदमी थोड़ा बहुत रियलिटी करता था कूदना है तो सच में कूदा दिए भाई थोड़ा बहुत अगर है तो लेकिन आज तो थोड़ा सा भी कूदना है लगाओ गद्दे लगाओ क्रोमा चल भाई कूद जाओ तुम नहीं कूद पाओगे स्टेटमेंट ना कूद रहा है ठीक है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैजिकल इफ आपको हमेशा काम करना है, हमेशा माइंड को एक्टिव रखना है